टाइम्स न्यूज की ओर से समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर इंदौर के सभी पंडालों में आकर्षक और मनमोहक गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है। वहीं इंदौर शहर के पुराने क्षेत्र तिलक पथ से लगे हुए भोई मोहल्ला में बीती रात मछली के प्रतिष्ठित व्यापारी भीम गौड़ द्वारा स्थापित नीलवर्ण भगवान विघ्नहर्ता के कार्यक्रम में किन्नर समुदायों ने महाआरती में शिरकत की। साथ ही इस दौरान किन्नरों द्वारा जमकर नृत्य किया। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से आयोजक भीम गौड़ द्वारा भोई मोहल्ला में भगवान गणेश की स्थापना की जा रही है और प्रति वर्ष अलग अलग थीम पर भगवान विघ्नहर्ता की स्थापना की जा रही है। इस बार आयोजकों द्वारा नीलवर्ण भगवान गणेश की स्थापना की है, जो अत्यंत ही मनमोहक प्रतिमा है, जिसे निहारने के लिए दूर दूर से भक्त पांडाल में भक्त आ रहे हैं। वहीं गणेश चतुर्दशी की पूर्व रात भक्तों द्वारा भगवान गणेश की विशेष महाआरती की गई, जिसमें नंदलालपुरा के रहने वाले किन्नर समुदाय ने भी शिरकत की और महाआरती का लाभ लिया। इस दौरान भक्तों के आग्रह पर किन्नरों ने जमकर डांस किया। अष्टविनायक जी बड़े गणेश जी है, काफी ब्लू कलर में आए हैं और भोईमल्ला स्थित तिलकपथ चौराहे पर बिठाए हैं, विराजमान है। आज महाआरती में विशेष रूप से भोला समाज के विद्या पधारी हैं। ये हमारे आज के वरिष्ठ हैं, सब लोग बहुत सम्मानित हैं और शहर के लिए काफ़ी अच्छा संदेश देना है। कितने सालों से बिठा रहे हैं आप जी? कितने सालों से बिठा रहे हैं आप? मैं 12 ईयर से बैठा हूँ। आपका नाम जी? भीम गौड़। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।